जब से गंभीर बीमारी कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी है, तब से अब तक कई हजार लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और दर्जनों से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आकर अपनी जान दे चुके हैं। इस कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश को 21 दिनों तक बंद किया गया, जिससे इस बीमारी को रोका जा सके और इस लॉकडाउन के अंतर्गत लोगों से अपील की गई थी कि वे अपने घरों में रहें। वहीं इसी क्रम में बुढ़ाना शाहपुर रोड पर स्थित बरवाला गांव के प्रधान श्री सत्येंद्र बालियान के द्वारा अपने ग्रामवासियों की इस बीमारी से बचाव के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। गांववासियों के चेकअप के लिए एक स्वास्थ्य परीक्षण कैंप लगवाया गया, जिसमें बाहर से आए हुए लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण चेकअप करवाया। हालांकि इस स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान कोई भी व्यक्ति कोरोना से पीड़ित नहीं मिला। वहीं ग्राम प्रधान के द्वारा अपनी गाड़ी में लाउड स्पीकर लगाकर गांव की गली गली में जाकर लोगों को इस बीमारी के बचाव के लिए जागरूक किया गया। लोगों से अपील किया जा रहा है कि वे अपने घरों में रहें, आपस में एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। प्रधान जी, एक कैंप लगाया गया था कोरोना वायरस के संबंध में, कौन कौन डॉक्टर आए हुए थे और किस तरीके का लोगों का चेकअप करवाया गया आपके द्वारा? हमारे द्वारा प्राइवेट तितावी में एक हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टर आए हुए थे। उन्होंने सबने निःशुल्क जांच की है। जो लोग बाहर से आए हुए थे, डॉक्टर विवेक शुक्ला हैं और वो अपनी पूरी टीम के साथ गांव-गांव जा रहे हैं। वो बेचारे बड़ा मेहनत कर रहे हैं और वे हर जो व्यक्ति जो दूसरे प्रदेश से या दूसरे जनपद से आया हुआ है या दूसरे देश से आया हुआ है, उनकी सबकी जांच की है। मेरे यहाँ भी आज उन्होंने 53 लोगों की जांच की है। मेरे यहाँ लगभग 80 लोग आए हुए हैं, उनमें से 53 की आज जांच हो गई। तो किस तरह का कोई आज देखने को दिखाई दिया है? और जो बाहर से लोग आए हुए हैं, उन्हें बड़ी ये थी कि हमारी जाँच हो जाए, हमें ये पता चल जाए कि हमारे कोरोना वायरस तो नहीं है। तो हमारे यहाँ सबकी जो जांच हुई है, उसमें सब ठीक ठाक मिले हैं और सबको यही कहा गया कि वो कम से कम 14 दिन बाहर रहें। घर में अगर रह भी रहे हैं तो अलग कमरे में रहें। तो किसी तरीके का जो आज आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है गांव के अंदर, जो इसमें लोग अंदर हैं जी, तो किस तरीके से आप जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं? मैं गाँव में अपनी गाड़ी पर ही माइक लगा कर भी और गांव में अकेला घूम घूम के भी मैं रात दिन प्रयास करता रहता हूँ कि आप जो लॉकडाउन हुआ है उसमें आप अपने घर में ही रहिए, और घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। मैंने कई बार गांव में सैनिटाइज का भी छिड़काव कराया है और फॉगिंग भी मैंने 4-5 बार करा दी है गांव में, और साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रख रहे हैं। जो स्कूल है हमारे प्राइमरी पाठशाला नंबर 1, और वहीं पे ही हमारे गांव में आयुर्वेद एक चिकित्सालय है, तो उसमें हमने 5-5 बेड की व्यवस्था भी की हुई है। तो किस तरीके से ग्रामीणों का आपको सहयोग मिल रहा है? बहुत सहयोग मिल रहा है गांव का, मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है गांव का। और मैं चाहता हूँ कि शायद जिस तरह मेरे गाँव के लोग मेरे सहयोग कर रहे हैं, शायद दूसरे गाँव के लोग भी, मैं ये कहूँगा कि वो भी इतना ही सहयोग देते रहें। जिस तरह हम रात को दिन में घूम घूम के प्रयास कर रहे हैं कि लोग घर से बाहर ना निकलें, तो मुझे बहुत अच्छा सहयोग गांव से मिल रहा है। तो पुलिस प्रशासन का सहयोग के बारे में क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन का भी यहाँ पे आती रहती है पुलिस, लेकिन वो कोई यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती। जब कोई बात भी होती है तो मैं ही अकेला गाँव में चला जाता हूँ, तो लोग कहीं इकट्ठे नहीं होते, और कहीं एक दो खड़ा भी मिल जाता है तो वापस चले जाते हैं मुझे देखते ही। गांव के जो गरीब लोग हैं, उनके लिए आपके द्वारा क्या व्यवस्था है? ये व्यवस्था है कि अभी तीन दुकान है उचित दर विक्रेता होगी, उन पर तीनों पे मैंने घूम घूम के 3 दिन तक राशन का वितरण अपने सामने कराया। और अब ये है कि गांव में कोई भी आदमी अगर किसी भी घर में अगर कोई ज़रूरत होगी तो मैं रात को दिन उसके लिए सेवा करने के लिए तैयार हूँ। जो भी ज़रूरत होगी, वो ज़रूरत का सामान उपलब्ध सबको कराया जाएगा।